साथियों, आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण सेंटर्स के रूप में शहरों की प्लानिंग पर हमें विशेष फोकस करने की जरूरत है। हम चाहे या न चाहे अर्बनाइजेशन होते ही रहने वाला है, शहरों का पर दबाव बढ़ने वाला है, शहरों की जनसंख्या बढ़ने वाली है, शहरों की जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं। और ये भी सच्चाई है कि आर्थिक गतिविधि का केंद्र शहर में बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है, और इसलिए हमें, अगर हम मेयर है तो मेरा शहर आर्थिक रूप से समृद्ध हो, मेरा शहर किसी न किसी प्रोडक्ट के लिए जाना जाए, मेरा शहर टूरिज्म के लिए आकर्षण का केंद्र बने, मेरा शहर उसकी एक पहचान बने, इन सारी चीजों में आर्थिक व्यवस्थाएं जुड़ी होती हैं। आपने देखा होगा इस वर्ष का जो बजट है उसमें अर्बन प्लानिंग पर बहुत अधिक बल दिया गया है। अब यह भी आवश्यक है कि शहरों की प्लानिंग को भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन, राज्य के स्तर पर भी शहरों की प्लानिंग होनी चाहिए, सिर्फ दिल्ली से नहीं हो सकता है। अब मुझे याद है, मैं जब चंडीगढ़ में रहता था तो चंडीगढ़ के नजदीक में पंचकूला बहुत अच्छा डेवलप हुआ, उधर मोहाली अच्छा डेवलप हुआ, हमारे गांधीनगर के बगल में पेथापुर वगैरह बहुत अच्छी तरह से नए डेवलप हो रहे हैं। देश में ऐसे अनेक सेटेलाइट टाउन्स हैं जो बड़े शहर के नजदीक में विकसित होने चाहिए, और योजनाबद्ध रूप से सेटेलाइट टाउन को डेवलप करने का काम करना ही चाहिए, तभी शहरों पर दबाव कम होगा। और बीजेपी ने सैटेलाइट टाउन्स को लेकर सचमुच में बेहतरीन काम करने का प्रयास किया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।